सरकार ने नाम तो दे दिया दिव्यांग का, खाली नाम देने से विकलांग को रोजगार नहीं मिलता। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। अब जो 100% के विकलांग है, 70% के विकलांग है, 80% के विकलांग है, वो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, कीड़ों की तरह पड़े हैं सड़कों पे। क्या मतलब उनका सरकार का रवैया ऐसा है, संवेदनशील रवैया है ही नहीं है, सरकार देखती नहीं। एक महीने से ज्यादा हो गया है इन लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, सरकार तो देख ही नहीं रही है बिल्कुल विकलांग को। तो विकलांग अगर नौकरी पे कहीं प्राइवेट में अगर धक्के धुक्के खा के चला भी जाता है, पहली तो बात उसको लेंगे बड़ी मुश्किल से, अगर वो ले भी लिया है तो उससे ज्यादा उससे काम करवाया जाएगा और ऐसा अभद्र व्यवहार वहाँ करा जाता है। उसकी ट्रांसफर 8000 नौकरी वाले विकलांग की भी ट्रांसफर कुरुक्षेत्रा कर दी जाती है, यहाँ करनाल से कुरुक्षेत्रा जी। और वहाँ पे यहाँ आने के बाद समाज कल्याण विभाग में भी उनकी एप्लीकेशन जा चुकी है, कमिश्नर को जा चुकी है उनकी एप्लीकेशन, डीसी को एप्लीकेशन दे चुके हैं, हर जगह पे एप्लीकेशन दी है, कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आया। अभी कोई रिजल्ट नहीं है, अभी मेरे दोनों हाथों में दिक्कत है, दोनों हाथों से विकलांग हूँ मैं, 100% विकलांग हूँ। अभी जो आपके हाथ में है ये मांग पत्र क्या ये है? मांग क्या? पत्र ये है कि भी जो विकलांगों की ये ठग्गा बगी कर रखी है कि पेंशन उनकी काट दी है, उनके बच्चों की पेंशन काट दी है, जो विकलांग सिर्फ पेंशन के सहारे पर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनकी वो पेंशन भी काट दी, उनके बच्चों की भी काट दी, तो वो कहाँ जाए? बहुत सारे विकलांगों की पेंशन सरकार ने कटवा दी है। ये क्यों कटी है? क्या आपको पहले नोटिस मिला था? क्या नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला इसका, ये ऐसे ही काट दी सरकार ने पेंशन कि भी हम करेक्शन कर रहे हैं इसमें और फर्जी ले रहे हैं लोग पेंशन, जबकि फर्जी नहीं है। उनकी लिस्ट भी हमारे पास है उन विकलांगों की जिनकी पेंशन कटी हुई है, और वो कह रहे हैं हरियाणा में कटी है। हरियाणा में कटी हुई है मैडम, 15 लाख विकलांग है हरियाणा के अंदर, और पेंशन तो मात्र बहुत चौथा हिस्सा है बस पेंशन। तो नाम क्यों दिया है आप लोगों को जब आपके साथ ऐसा बर्ताव इन लोगों ने? सिर्फ ये बस विकलांगों का ध्यान भटकाने के लिए कि भी हमने नाम दे दिया, नाम से करने ही के कुछ नहीं, हम तो नाम का बहिष्कार करते हैं। मुझे नाम चाहिए नहीं, किसी को नहीं चाहिए, विकलांग कोई भी कुछ नहीं है इस नाम से। विकलांग को तो रोजगार चाहिए, काम चाहिए उसको, जिससे वो रोजी रोटी अपनी कमा सके। क्या मांग करती है आप प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ, सबसे पहले तो विकलांग को रोजगार दिया जाए, चाहे वो कहीं भी दे हो उसको रोजगार जरूर दो ताकि वो रोटी खा सके। अब जब रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तो फिर ये क्या करेगा विकलांग? सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में रोटी की। अभी डीसी के पास जाऊंगी और डीसी को ज्ञापन ये सौंपूंगी और डीसी को बता के आएंगे जी ऐसे ऐसे समस्या हो रखी है हमारे साथ। अब देखते हैं इसमें कितना खरा उतरते हैं डीसी जी, क्या एक्शन लेते हैं, क्या हमें इसका मिलेगा जवाब। अब तो ऐसे हमने पता नहीं कितने सालों से हम सड़कों के धक्के खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी डीसी ऑफिस में जा रहे हैं, कभी समाज कल्याण विभाग में जा रहे हैं, कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं मैडम। मैं यहाँ पे नौकरी करती थी विशाल मेगा मार्ट में, और मैंने यहाँ पे नौकरी 8 साल की है, 8 साल नौकरी, सिर्फ मैंने 4500 रुपए पे लगी थी मैं, और मेरी सैलरी जो थी 8000 सैलरी पे मेरे को यहाँ से और कुरुक्षेत्रा ट्रांसफर करवा दिया। कुरुक्षेत्रा में 1 साल तक मैंने धक्के खाए और 1 साल तक मैं नौकरी करके लास्ट में अपना किराया लगा के 8000 की नौकरी में सिर्फ, और मैं लास्ट में यही कह दिया कि भी मैं नहीं करती, क्योंकि मैं कहाँ से पैसे लगाऊं, मेरे पास पैसे होते तो मैं आती। ट्रांसफर किन्होंने किया जहाँ पे? ट्रांसफर करी मैनेजर ने, मैनेजर ने करी, क्योंकि उनको पता है कि भी सुनवाई विकलांग की कहीं है नहीं, इसलिए करती उन्होंने, और है भी नहीं है सुनवाई। कमिश्नर सुनवाई नहीं कर रहा, डीसी सुनवाई नहीं कर रहा, तो समाज कल्याण विभाग का अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा, तो फिर कहाँ जाए? पहले भी मैं मीडिया के माध्यम से आई थी, सब लोगों को पता है, मीडिया के मेरी बनी हुई है यहाँ पे वीडियो, तो कोई बेनिफिट नहीं है मैडम इसका। आ रहे हैं हम जरूर, पर अपना हमने ज्ञापन देना है, अब देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। बाकी विकलांगों की बहुत ही हालत बहुत खराब है हरियाणा के अंदर, तो बहुत हालत खराब है, और खासकर महिलाओं की बहुत ज्यादा है। कोई बच्चे नहीं, 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 नहीं कोई सुनवाई नहीं है मैडम, बच्चे भी है साथ में, तो बच्चों को लेके कहाँ खड़े हैं हम, कहाँ जाएंगे? कहीं तो इनको रोजगार का तो करना चाहिए। कहाँ से आई हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे करनाल से आई हूँ, शिव कॉलोनी से जी।